फ्रेंड्स करते हैं वायरिंग। वायरिंग के लिए हम लेंगे एक वायर, वायर का ऊपर का इंसुलेशन को हटा लेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे हम, ये इधर स्विच है, स्विच के इनपुट टर्मिनल पे, दोनों स्विच के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक रेड कलर की वायर, वायर के एक एंड को हम ये इधर टू वे स्विच लगा है, टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और रेड वायर के दूसरे एंड को हम कनेक्ट करेंगे ये इधर स्विच के इनपुट टर्मिनल पे। और अब फ्रेंड्स हम बल्ब की पॉइंट वाली वायर लेंगे, एलईडी बल्ब के जो पॉइंट गए हैं वो वायर लेंगे, स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे हम एलईडी बल्ब की फेज वाली वायर को कनेक्ट करेंगे। ये है पॉइंट, एक पॉइंट हो गया ये, और अब हम दूसरे पॉइंट की वायर लेंगे इसको ये वाले स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और अब फ्रेंड्स हम ये दो हमने बल्ब होल्डर के लिए वायर कनेक्ट की है पॉइंट वाली, इसमें हम बल्ब होल्डर ले लेते हैं दो। बल्ब होल्डर में हमने इनपुट न्यूट्रल वाली वायर को कनेक्ट किया हुआ है और इसमें हम फेज वाली वायर को कनेक्ट कर लेते हैं जो कि पॉइंट वाली है, ये डायरेक्ट बल्ब होल्डर में चली जाएगी और इसको कनेक्ट करेंगे बल्ब होल्डर के फेज वाले टर्मिनल पे। ब्लू कलर की वायर न्यूट्रल के लिए कनेक्ट की गई है। ये एक बल्ब होल्डर में कनेक्ट कर दिया हमने, ये एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट, ये दो नंबर स्विच से बल्ब होल्डर में चला गया है। और ब्लू कलर की दो वायर जो लगी है, एक यहाँ से सीलिंग फैन में गया है, ये इधर फैन है, फैन में गया है न्यूट्रल, ये हो गई पॉइंट वाली वायर कनेक्ट। और अब फ्रेंड्स हम बल्ब होल्डर के कनेक्शन हमने कर लिए और अब करेंगे इधर लगा है फैन रेगुलेटर, रेगुलेटर से दो वायर बाहर निकली है, इसमें से एक होती है लोड वाली और एक होती है इनपुट। लोड वाली ये वाली वायर है, ये वाली लोड है और ये इनपुट है, इसमें इसका डायग्राम बना रहता है। हमको इनपुट फेज वाली वायर को कनेक्ट करना है टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल पे। ये इनपुट फेज वाली है, इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ, और ये रेगुलेटर की आउटपुट वायर है लोड वाली, इस पे हम ये फैन की वायर है इसको इसके साथ कनेक्ट करके अच्छे से टेप से कवर कर देंगे। ये हो गई फैन के लिए, आउटपुट चला गया रेगुलेटर से। इस वायरिंग से फ्रेंड्स अगर हाई वोल्टेज आ जाती है, नहीं तो हमारे एलईडी बल्ब खराब हो गए और नहीं सीलिंग फैन अच्छे से काम करेगा। अगर बाई चांस 440 वोल्ट भी आ जाती है अचानक से, गर्मियों के सीजन में क्या होता है कि अचानक से 440 वोल्ट आ जाती है और उसमें हमारे घर के एलईडी बल्ब और सीलिंग फैन वगैरह चलते रहते हो, ख़राब हो जाते हैं।
अगर बंद भी कर देते हैं तब भी सीलिंग फैन को चलाने में हमको ये लगता है कि चला देंगे तो तुरंत चल जाएगा, गर्मी मरना पड़ता है। इसके लिए हमको हमने लगाया है ये टू वे स्विच। आपके एलईडी बल्ब तो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और साथ में सीलिंग फैन भी आप बचा सकते हो, और टू फेज में भी सीलिंग फैन आराम से काम करेगा, सिंगल फेज में भी चलेगा और टू फेज में दोनों में भी चलेगा। ये वायरिंग हमने खुद से की हुई है हमारे खेत में हमारे 440 वोल्ट है यानी कि थ्री फेज है, वहाँ हमने ऐसी वायरिंग कर रखी है। उससे हम टू फेज में फैन को भी चलाते हैं और एलईडी बल्ब भी चलाते हैं। अब फ्रेंड्स हम लेंगे कैपेसिटर लेंगे हम 4 MFD का। ये 4 MFD का कैपेसिटर है, अगर कैमरे में अच्छे से दिख रहा होगा तो ये देखिए 4 MFD का कैपेसिटर है और 440 वोल्ट में ही है। इसकी दो वायर है, इसमें कोई भी फेज और न्यूट्रल वाली वायर नहीं रहती है। ये चार्ज था, अभी फेज और न्यूट्रल वाली वायर नहीं रहती है, कोई भी वायर कहाँ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। हम इसकी एक वायर को कनेक्ट करेंगे स्विच के ये वाले टर्मिनल पे, यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। और कैपेसिटर की दूसरी वायर को हम कनेक्ट करेंगे टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसको। और ये वायरिंग कंप्लीट हमने कर ली है। अब इसमें हमने इनपुट फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है। इनपुट फेज के लिए हम लेंगे रेड कलर की वायर और न्यूट्रल के लिए लेंगे ब्लू कलर की वायर। ब्लू वायर को हम कनेक्ट करेंगे इधर बल्ब होल्डर है, बल्ब एक बल्ब होल्डर में कहीं भी कनेक्ट करेंगे, तीनों कंपोनेंट में चला जाएगा, दो बल्ब में और एक सीलिंग फैन में। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया इनपुट फेज कनेक्ट और इसको अच्छे से कर देंगे टाइट। और इसकी कैनोपी को लगा देंगे। अब ये न्यूट्रल जो है ये तीनों में चला गया, इधर फेज, ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल सभी में चला गया, दो बल्ब होल्डर और एक फैन में चला जाएगा, यानी कि कॉमन रहता है जो न्यूट्रल है वो। और अब हम इसमें इनपुट फेज वाली वायर को कनेक्ट करेंगे। इनपुट फेज के लिए लेंगे हम रेड कलर की वायर, ये वाली वायर हमारी इनपुट फेज है, इसको कनेक्ट करेंगे हम टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे, जहां हमने कैपेसिटर की एक वायर को कनेक्ट किया था, यहां पे इसको हम कनेक्ट करेंगे। अब इसमें हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन वायरिंग हो गई है, दो एलईडी बल्ब की और एक सीलिंग फैन की। आप 440 वोल्ट में भी सीलिंग फैन को चला सकते हो, सीलिंग फैन ख़राब नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है टू वे स्विच का, वो हम आपको बताएंगे कि क्या करना है आपको। ये देख लीजिए, ये वायरिंग हमने खुद से खेत में की हुई है। हमारे खेत में थ्री फेज का बोरवेल लगा है, वहाँ न्यूट्रल नहीं है, उस न्यूट्रल की जगह हम डायरेक्ट दो फेज में ही चलाते हैं। और अब इसको हम ऑन करते हैं, जो स्विच बोर्ड है इसको सीधा कर लेंगे और बल्ब होल्डर में बल्ब को लगा देते हैं। अब एक होल्डर में हम लगा देते हैं 9 वाट के एलईडी बल्ब और एक में लगाते हैं हम 0.5 वाट का एलईडी बल्ब। दोनों एलईडी बल्ब लगाएंगे हम, आपको छोटा भी एलईडी बल्ब लगा के दिखा देते हैं और बड़ा भी, दोनों साइज का एलईडी बल्ब हम इसमें यूज कर रहे हैं। और अभी रेगुलेटर को एक बार ऑफ कर देते हैं, पहले एलईडी बल्ब को जला के दिखाएंगे, इसकी पावर करते हैं ऑन हम। अभी हम इसको पावर में लगा देते हैं, पावर में लगाया हमने और जैसे इसकी पावर को ऑन करेंगे ये स्विच को ऑफ कर लेते हैं। ये वाला स्विच हमने ऑन किया, ये देखिए 0.5 वाट का एलईडी बल्ब जलने लग गया, ग्लो कर रहा है, और ये 9 वाट का एलईडी बल्ब अच्छे से ग्लो कर रहा है। ये जब भी हाई वोल्टेज आती है, मान लीजिए
440 वोल्टेज अगर आती है, गर्मियों के सीज़न में अक्सर न्यूट्रल फेल हो जाता है, कहीं से कट जाता है, तब आपका घर में 440 वोल्टेज आती है, उसमें आपके एलईडी बल्ब जल्दी से ख़राब नहीं होंगे और सीलिंग फ़ैन भी नहीं होगा। अब एलईडी बल्ब अच्छे से काम कर रहा है, हम इसको निकाल देते हैं 0.5 वाट के एलईडी बल्ब को और यहाँ लगाते हैं 18 वाट का फिलामेंट वाला बल्ब। ये देखिए, ये भी अच्छे से काम कर रहा है, इसको भी निकाल लेते हैं। आप किसी भी बल्ब में इसको लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही होल्डर में लगाए, कोई भी होल्डर में आप लगा सकते हो, 100 वाट का भी बल्ब लगा सकते हो, वो भी ख़राब नहीं होगा। और इस एक कैपेसिटर के ऊपर आप 200 वाट का लोड दे सकते हो, 200 से 250 वाट तक का, उससे ऊपर आप लोड नहीं दे सकते। अब इसमें हम लगा देते हैं एलईडी बल्ब, ये देखिए अच्छे से काम कर रहे दोनों। अब हम चालू करते हैं फैन, उससे पहले यहाँ बल्ब को चेंज करेंगे, ये भी जला के आपको दिखाया है, देखिए अच्छे से काम कर रहा है। अब फ़ैन को चालू करने के लिए हमको क्या करना है कि इसमें फ़ैन की जो हमने वायरिंग की है वो हमको, अगर फ़ैन को बंद रखना है तो रेगुलेटर से फ़ैन को ऑफ़ रखना पड़ेगा, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, रेगुलेटर से ही ऑन ऑफ होगा। और जो टू वे स्विच लगा है ये हमको सिंगल फेज और टू फेज में शिफ्ट करने के लिए लगा है। मान लीजिए अगर आपके घर में सीलिंग फ़ैन अच्छे से चल रहा है, मतलब ठीक आपको लग रहा है कि नॉर्मल आपका सीलिंग फ़ैन चल रहा है, तब तो आप चलने दीजिए, जैसे कि अभी ये नॉर्मल चल रहा है, ये देखिए। और जैसे ही आपको लगे ये सामान्य से ज़्यादा तेज स्पीड से चलने लग गया, उस टाइम आपको क्या करना है, ये वायर अभी निकल गई है, इसको ऑफ़ कर लेते हैं, इसको ऑफ़ करेंगे पावर को और इसकी वायर फिर से लगाएंगे। न्यूट्रल वायर निकल गई थी ये, यहाँ सामान्य से अगर अधिक चलने लगे तो समझ जाओ आपका जो फेज है वो टू फेज हो गया है। उस कंडीशन में आपको जो करना है वो टू वे स्विच के साथ करना है। पहले हम ये कनेक्शन कर लेते हैं इसके, ये अभी फिर से चालू करते हैं, इसकी पावर को लगा देते हैं, पावर लगाई हमने, फिर चालू हो गया है, देखिए सारी चीज़ें चल रही है। अभी हमारा फ़ैन जो है वो नॉर्मल चल रहा है, और आपको देखने में लगे कि आपका स्पीड एकदम अचानक से बढ़ गई, यानी कि 440 वोल्ट हो गई, हाई वोल्टेज आ गई, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि हम क्या करते हैं, फ़ैन को बंद कर देते हैं और गर्मी मरते रहते हैं, उस ऐसा नहीं करना है। अब इसको कैपेसिटर सीरीज में कैपेसिटर को कर देंगे, इसको ये टू वे स्विच को ऑन करेंगे। अब ये सीरीज में चल रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, आपका फ़ैन जलेगा नहीं ख़राब होगा। अभी ये फ़ैन सही चल रहा है, देख लीजिए, और दोनों बल्ब भी अच्छे से काम कर रहे हैं। अब अगर आप इसको 220 में अगर चलाओगे तब क्या होगा, थोड़ा सा फ़ैन आपका स्लो चलेगा, लेकिन बिल्कुल सेफ़ रहेगा, इसमें हाई वोल्टेज से फ़ैन ख़राब नहीं होगा। और फिर लगे आपकी घर की जो आपने जहाँ ये लगाया है वहाँ नॉर्मल वोल्टेज है, तब इसको आप ऑन कर दीजिए, स्पीड बढ़ जाएगी और चलेगा अच्छे से, दोनों में ही काम करेगा। ये देख लीजिए, आप इसको कोई भी बंद भी कर सकते हो और स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए अभी फुल स्पीड में चल रहा है, आगे हम स्लो करें तो स्लो भी हो जाएगा। ये देखिए, और अब कैपेसिटर के थ्रू करें, इसको कैपेसिटर के थ्रू चलाए, ये देखिए बिल्कुल स्लो हो गया। इसकी स्पीड पे बस हल्का सा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और स्पीड पूरी रखनी है तब आपको इसमें कर देना है। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, जब भी आपके घर में अगर 440 वोल्टेज आ जाती है बाय चांस, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने इसमें स्विच बोर्ड में सीरीज में एक कैपेसिटर लगा दिया है। और जब भी आपको सीलिंग फ़ैन को ऑफ़ करना है तब आपको रेगुलेटर से ऑफ़ करना पड़ेगा, अन्यथा एक अलग से स्विच लगाना होगा। ये 440 और 220 में शिफ्ट करने के लिए हमने टू वे स्विच का यूज किया है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा लें। थैंक यू फ्रेंड्स।